आज बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट से जो अभी JEE 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी नाइन्थ क्लास वैसे एंड होने वाली है अब, तो थोड़ा डिस्कशन रहेगा कि टेंथ में क्या करना है, रिमेनिंग नाइन्थ के टाइम में क्या करना है एंड कैसे उस टाइम को 11th 12th के साथ मर्ज हमें करना है, ठीक है, टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रैंक। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को भले आप किसी भी लेवल पर बैठे हो, आप हो सकता है अपनी क्लास में लास्ट बेंचर हो, अच्छे नहीं नंबर लाते हो, या भले आप टॉपर भी हो, आपको एम केवल एक रखना है, आपका एम इससे नीचे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे यार इस वीडियो को ही देखने वाले इतने सारे बच्चे हैं, हमारी कहाँ से रैंक आ जाएगी, लेकिन देखिए एक बात आप समझिए कि ये जो जर्नी है ना बहुत लंबी जर्नी है। अभी आप लोग नाइन्थ में हो, फिर आप टेंथ में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो इस पीरियड में बहुत सारे बच्चे हैं जो लुढ़क जाते हैं, जो रास्ते से हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, या छोड़ देते हैं, कुछ चोरी करने लग जाते हैं, तमाम तरह की चीजें रहती है, राइट। लेकिन नाइन्थ क्लास में अगर आपने शुरू किया है और आप 12th तक अड़े रह गए, आपकी टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 फिनिश कहीं नहीं जा रही। हाँ, हालांकि फर्स्ट रैंक लाना थोड़ी सी देखो लास्ट दिन की भी बात होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छी रैंक की टारगेट अपन बिल्कुल कर सकते हैं नाइन से शुरू करते हैं। मैं इवन 10th वालों को भी सेम बात बोलता हूँ, लेकिन आप पे शायद ये बात ज्यादा एप्लीकेबल है। जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, मैं जब खुद आपके एज में था ना, मैं जब खुद नाइन्थ में था तभी मैंने अपनी मेनली पढ़ाई जो एक्स्ट्रा वाली होती है शुरू की थी। आई एम श्योर आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मुझसे ज्यादा जानते होंगे व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, ठीक है। हाँ, अब आप यूँ कह सकते हो अरे अब कॉम्पिटिशन ज्यादा, लेकिन भाई उस समय भी कॉम्पिटिशन कोई कम नहीं होता था, उस समय एक्चुअली बच्चे बहुत भयंकर वाले होते थे, डिस्ट्रैक्शन वगैरह होते ही नहीं थे, ये जो आप नेटवर्क चलाते कुछ होता ही नहीं था, तब सब लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो भयंकर कॉम्पिटिशन तब भी थी। और इवन आज के माहौल में भी आप कंपेयर करो ना, तब भी आई एम श्योर देर आर सम स्टूडेंट्स हु नो मोर देन व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, राइट। तो देयर इज डेफिनेटली पॉसिबल पोटेंशियल इन ऑल ऑफ यू, ठीक है, कमेंट्स में लिखो आई विल गेट AIR 1 इन JEE 2027 या जब भी आपका एग्जाम है, राइट, तो पोटेंशियल है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लान जरूर करना फॉलो करना जरूरी है। मैंने कुछ और ही बोल दिया, फॉलो करना जरूरी है, राइट। तो अब डिस्कस करते क्या है, ठीक है। तो देखिए JEE प्रेप जो मेन होती है ना, वो आपकी होती है एक तो क्लास 11th में और एक होती है क्लास आपकी 12th में। हमारा टारगेट अर्ली JEE प्रेप में ये रहता है कि एटलीस्ट इतना अपन पहले ही फिनिश कर ले। अब 10th वाले बच्चे जो होते हैं वो यूजली इतना डेप्थ में नहीं जा पाते क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना, मे बी 11th के बेसिक्स को कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा 9th में है, ठीक है, जो बच्चा 9th में है ना, वो पूरी 9th एडवांस लेवल तक कर सकता है, कुछ टॉपिक्स ऑफ 12th भी कर सकता है, या फिर वो ऐसा कर सकता है कोई एक सब्जेक्ट को वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ ले, बाकी सब्जेक्ट्स ठीक ठाक। अब जैसे मेरा पर्सनली बताऊं तो मेरी फिजिक्स आप कह सकते हो 70-80% JEE एडवांस लेवल की 9th 10th में ही फिनिश हो गई थी। मैं इरोडो सॉल्व किया करता था, कर भी लेता था 10वीं में, राइट। मैथ्स मुझे बेसिक्स आती थी, मैथ्स मुझे बेसिक्स आते थे, वो भी मेनली 11th के NCERT के, और केमिस्ट्री में भी सेम ही था, मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स में मैं कोई बहुत ज्यादा जीनियस स्टूडेंट था नहीं, मुझे बस 11th के बेसिक्स आते थे, थोड़ा बहुत आइडिया था, मतलब वो भी मतलब चैप्टर शुरू होने के एक दिन बाद खत्म हो जाता था, बाकी बच्चे बराबर आ जाते थे, राइट। मेरी मेन स्ट्रेंथ जो थी वो फिजिक्स में थी क्योंकि वहां पे मैंने LC वर्मा जैसे पूरी की हुई थी 11th 12th की, मैंने इरोडो पूरी की हुई थी, पूरी तो नहीं 50-60% की हुई इरोडो, पूरी इरोडो तो शायद किसी से भी नहीं हुई आज तक, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है सबसे नहीं होता है, राइट। तो आई हैड गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स ठीक ठीक थे, तो आप कह सकते हो मे बी 50% ऑफ माई JEE वॉज ऑलरेडी डन बिफोर आई एंटर्ड 11th और उसी बेसिस पे अच्छी रैंक्स आई। तो आप भी लगभग अगर इतना कर लेते हो ना, आप डेफिनेटली ला सकते हो, और कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो मेरे साथ एक अच्छा प्लान, एक अनइनिशिएटेड स्टूडेंट जो इसने कुछ भी शुरू नहीं किया, उसके लिए अच्छा प्लान विल बी कि रिमेनिंग क्लास 9th में आप अपनी 10th कवर कर लीजिए और 9th कवर कर लीजिए, काफी डुएबल टारगेट है, आपके बहुत हार्ड नहीं है। और मैं 10th कवर करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाइडे करने लग जाओ, जस्ट आपका जो भी बोर्ड है, जैसे आप CBSE बोर्ड में हो तो जो NCERT जो भी टेक्स्ट बुक चलती है उसकी मैथ्स और साइंस पूरी पढ़ लो, दैट्स इट, रीड कर लो, पीछे क्वेश्चन कर लो, दैट्स इट। बहुत ज्यादा मैं कुछ करने को आपको नहीं कह रहा हूँ, बहुत डुएबल है, एक दो महीने में हो जाएगा, और एक दो महीने में आपके एग्जाम से 9th 10th के 3-4 महीने में तो सब कवर हो जाएगा। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप 9th में अगर आप अनइनिशिएटेड स्टूडेंट से ज्यादा कुछ किया नहीं है, आप बस ये चीज कर लो कि 9th 9th में 10th तक का कवर कर लो, फिर जब आप 10th में आओगे तब आप 11th की पढ़नी शुरू कर देना। उस पर वीडियोस बनाऊंगा, सब्सक्राइब नोटिफाइड रहे, लेकिन HC1 से आप शुरू कर सकते हो, 11th NCERT शुरू कर सकते हो, राइट, लेकिन वो 10th में। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी थोड़े से ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत उनको आता है 10th का, या फिर वो 10th का नहीं पढ़ना चाहते, तो आप डायरेक्ट 11th पे भी जंप कर सकते हो, क्योंकि 9th के बाद करिकुलम डायरेक्ट 11th में कंटिन्यू होता है, 10th और 9th में कोई रिलेशन नहीं है सच। 9th के टॉपिक्स अब 11th में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, जैसे काइनेमेटिक्स था 9th में पढ़ा आपने, अब वो डिटेल में आपको 11th में पढ़ा जाएगा, सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट लाइक दैट ऑल्सो, कि आपके जो 9th के टॉपिक्स हैं फिजिक्स के वो आप HC1 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट वॉल्यूम 1 से पढ़ लें, जो मैथ्स के टॉपिक्स है वो आप 11th NCERT से पढ़ लें, केमिस्ट्री में भी 11th NCERT से पढ़ लें। दिस इज मोर देन इनफ कवरेज
कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कत पता है ये नहीं आएगी कि आपको मेटेरियल नहीं है या समझ में नहीं आ रहा, आपकी दिक्कत यह आएगी कि आप छोड़ दोगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि 4 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। मतलब मैं अपने बारे में सोचूं ना, 4 साल पहले मैं कहां था, मैं दिसंबर 2019 में था, ठीक है। तब मैं लिटरली आई थिंक माई कंपनी वॉज ऑल्सो नॉट इनकॉर्पोरेटेड, आई थिंक आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट इन आईआईटी बॉम्बे, वो भी फोर्थ ईयर नहीं, थर्ड ईयर का स्टूडेंट था मैं, वो भी फिफ्थ सेमेस्टर का था, सिक्स सेमेस्टर का भी नहीं था मैं। 4 साल बहुत बहुत पुरानी बात होती है। तो अभी आपके पास 4 साल बच्चे आपके एग्जाम्स में, ठीक है, लिटरली भाई 4 साल बच्चे, तो टाइम है अभी बॉस, और टाइम लंबा टाइम है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा टाइम है, लंबा टाइम आपको भी गुजारना है। और ये एक ऐसा पीरियड है जब डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। तो सबसे मेन आपकी चैलेंज ये नहीं रहेगी कि अरे आपको पता नहीं चल रहा कहाँ से पढ़ना है, ही ये चैलेंज आएगी नहीं, चैलेंज आपकी ये आएगी कि आप पढ़ना छोड़ दोगे। तो उस चैलेंज पे वर्क करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले 4 साल तक आपको पूरी घोर तपस्या के साथ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट दैट। इफ यू लीव इट एट एनी मोमेंट आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी पढ़ाई आप कर लोगे। अगर आपके पास इतने ज्यादा टाइम है ना, मतलब अगर आप जेई के लिए अवेयर भी हो तो आप कुछ ना कुछ हद तक पढ़ रहे हो उसके लिए, राइट, एंड इवन दैट इज इनफ। मतलब आप अगर अभी से ये वीडियोस देख रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सब चीजें आप कर रहे हो, ये किताबें मैं जो बता रहा हूँ आपके पास हैं, आप पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा ही सही, 1-2 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हो डेली का, संडे को 3-4 घंटे लगा लिए, इवन इतना भी अगर आप कर रहे हो ना भाई, ट्रस्ट मी यू आर अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ जेई एस्पिरेंट्स, ठीक है, मोस्ट के भी मोस्ट स्टूडेंट्स आप आगे हो, राइट, इतना अच्छा पोटेंशियल है आप में। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि आप उस पोटेंशियल को वेस्ट कर दोगे 11th में 12th में, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सबके साथ होता है, ठीक है, और जिसके साथ नहीं होता है वो टॉप मार जाता है, ठीक है। तो 9th-10th में बिल्कुल एग्जाम्स दो, उनको क्लियर करो, लेकिन उन्हें क्लियर करने से अपने आपको भगवान मत समझने लग जाओ। कई लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कई लोग समझते हैं हमने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया, 9th में ओलंपियाड जीत लिया, कुछ नहीं हुआ उससे। असली परीक्षा अगर कोई इंडिया में है वो जेई है, उससे लोग जानते हैं आपको। मेरे इतने सारे ओलंपियाड में बहुत फोड़ा है, कोई नहीं जानता था मुझे, मेरे जेई मेन में फर्स्ट रैंक, पूरी दुनिया जाननी मुझे, राइट। तो लोग आपको आपकी जेई रैंक से जानेंगे, उससे ही आपको सब कुछ मिलेगा, पैसा, जॉब, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम योर जेई रैंक। तो ये सब जो इधर उधर के ओलंपियाड है ना, उनको अपने दिमाग में इन्फ्लेट करना बंद कर दो। वो केवल तुम्हारे दिमाग में 4-5-10 लोग हैं साइंस वाले, उनके दिमाग में घुसी हुई है बात कि अरे मैथ्स ओलंपियाड जीत लिया तो मैं जेई वाले से आगे हूँ। भाई दुनिया डजंट केयर, दुनिया डोंट केयर अबाउट IIM, केवल कुछ लोग केयर करते हैं उसके बारे में। दुनिया केयर्स अबाउट योर जेई, दुनिया केयर्स अबाउट वॉट यू डू आफ्टर क्लास 12, दुनिया केयर्स अबाउट योर मनी, योर जॉब, एंड हाउ डू यू गेट दैट फ्रॉम IIT। और बहुत ही मतलब बहुत ही हम्बलिंग एग्जाम, मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी पूरी लाइफ टाइम की हम्बलिंग इस एक एग्जाम में करती, ठीक है। तो इट इज अ हार्ड एग्जाम, डोंट टेक इट लाइट। कई लोग समझते हैं, तो कई लोग दिमाग में एक मॉरलिटी वाली चीज रहती है, अरे हम तो ओलंपियाड प्रेप करते हैं, जेई नहीं करते हम तो बड़े लोग हैं। भाई जेई बहुत हार्ड होता है, जेई एडवांस्ड आई वुड आर्ग्यू इज प्रोबेबली हार्डर देन ओलंपियाड सेकंड स्टेज इन सम वेज, सच में, क्योंकि उसमें तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं, मिक्स है, ज्यादा क्वेश्चन है, टाइम लिमिट है, बहुत चीजें, फॉर्मेट डिफिकल्ट है। मतलब यू कैन आर्ग्यू दैट अगर अपन सिंगुलरली देखें ना INPHO, INCHO, INMO के पेपर्स को वर्सेज वन होल जेई एडवांस पेपर 6 घंटे का, भाई जेई एडवांस इज आर्ग्यूएबली क्लोज और इवन बेटर। इट्स अ हार्ड एग्जाम, डोंट थिंक कि वो कोई ऐसे ही लल्लू पंजू एग्जाम है, ऐसे ही निकल जाएगा। कई लोग इस तरह के विचार रखते हैं 9वीं 10वीं में, वो बोलते हैं ना 11वीं 12वीं के बच्चे बोलते हैं अरे भैया आपसे जेई नहीं निकला है, मेरे साथ तो निकल जाएगा। ऐसे कई लोगों की एटीट्यूड होती है 9th-10th के बच्चों की, 11th के बच्चों की भी होती है, अरे यार आपकी रैंक क्या 80 आई, अच्छा 100 ही रैंक आई, बस 20 में नहीं आई आपकी, 100 फर्स्ट रैंक नहीं है। तो उनको लगता है कि हमें तो 50 में ऐसी आ जाएगी। भाई ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, मतलब इट विल टेस्ट यू, इट विल हम्बल यू, दिस एग्जाम विल हम्बल यू। सो उसको दिमाग में रखना है, मतलब आप इस एग्जाम की टफनेस और डिफिकल्टी को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हो आप, अभी आप कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं, क्योंकि पता चलेगा जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद पता चलेगा, और तब तक या तो बहुत लेट होगा या आपने कर लिया होगा, राइट। सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, एंड जितना जल्दी करो ना उतना अच्छा है। मतलब सच में ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब इवन इफ यू आर समवॉट स्टूडियस एंड यू कीप एट इट फॉर 2 ईयर, मतलब 9th-10th में आपने थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई कर ली और 11th-12th में सीरियस होकर पढ़ाई कर ली, भाई आप सच में फोड़ दोगे चाहिए, मतलब आपकी अंडर 1000 अंडर 500 रैंक डेफिनेट है, ठीक है। तो पढ़ो, और आपको और हेल्प चाहिए तो JEE 2027 का मेरा कोर्स चलता है, जिसपे आपको डिस्काउंट मिल रहा है अभी 3 दिन के लिए। तो आज है 17 तारीख, 17, 18, 19 दिसंबर की रात तक आपके कोर्स केवल 5,000 रुपये मिल रहा है, पूरे आपके 2025 आपकी 10th एंड होगी तब तक ये वैलिड है, उसके भी थोड़ा बाद में। तो इस कोर्स का पूरा पर्पज ये कि आपको 9th-10th का भी सब कुछ सिखाएगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 10th का सब कवर करना इस कोर्स से कर लेना, ठीक है। फिर इसमें 11th-12th के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है, विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम DBPs एवरीथिंग, बेसिकली दिस कोर्स इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू बी एट पार और अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन इन क्लास 11th, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक है, क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट आएगी, कर देना, बहुत ही इजी पेमेंट है, आप कार्ड से, नेट बैंकिंग, UPI सबसे कर सकते हो, पेरेंट्स को बता देना, और फिर आपको ये कोर्स मिल जाएगा।
लाइव कोर्स नहीं है, आपको सब कुछ एक दिन पर मिल जाता है, पहले दिन पर आपको जो मर्जी पढ़े आप पढ़ सकते हो। कोई हम आपको बोलेंगे नहीं कि इतनी बजे इतनी बजे डाउट के लिए उतनी बजे इतनी बजे लाइव आओ, नहीं, आप अपनी पेज पर पढ़िए, डाउट आ रहे हर चीज का सोल्यूशन दिया है, वहां से रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो काफी कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, सारे ओलंपियाड्स की तैयारी, सारे एग्जाम्स की तैयारी, जेई की तैयारी, सब कुछ हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट वन कोर्स 5,000 रुपए का पूरे 2 साल तक चलेगा, कोई मंथली पेमेंट नथिंग, वन टाइम पेमेंट ऑफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट और डिस्काउंट भी है। ठीक है, यूजली वो 10-15 हज़ार रुपये का सेल होता है, अभी के लिए 5,000 है, जाके डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट, और पढ़ लो भाई जेई के लिए, टाइम है अभी, बहुत सुनहरा टाइम है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपको जैसे 11-12 के बच्चों को हमें सब कुछ देना पड़ता है जेई के लिए। अगर आप अपना 50% भी टाइम देते हो ना जेई को, 50% टाइम मस्ती कर लो, 50% टाइम जेई को दे दिया, तो 11-12 बहुत आसान हो जाती है, और तब आप मस्ती भी थोड़ी बहुत कर सकते हो, राइट, मे बी 10% मस्ती आप कर सकते हो, बाकी बच्चे 100% पढ़ाई करेंगे। तो इट्स अ गुड एडवांटेज टू हैव, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट नाउ, यू विल थैंक योरसेल्फ मेनी टाइम्स ओवर फ्यूचर, राइट, एंड इफ यू वांट द कोर्स फॉर मोर हेल्प, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बट ओनली टिल 13 दिसंबर, उसके बाद कीमत डबल हो जाएगी, सो 5,000 मिले हैं अभी, दे लो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।